अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 173, इसमें क्या है बच्चों, H2 के साथ देखो यहाँ पर PD चारकोल लिया हुआ है, समझ के बात को बच्चों। अगर इस तरह से कंजुगेटेड कीटोन दे दे या एल्डिहाइड दे दे कुछ भी, और इसका रिएक्शन H2 PD के साथ हो, तब तो दोनों का रिडक्शन होगा, लेकिन PD चारकोल के साथ दे बच्चों तो केवल इस एल्कीन का रिडक्शन होता है। ये पॉइंट टू रिमेम्बर है, आपको अपने कॉपी में लिखना है, ठीक है ना, और पता है तब तो खैर कोई दिक्कत की बात ही नहीं। क्या मैंने बोला, PD के साथ जब चारकोल मिला देते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चों केवल केवल एल्कीन का रिडक्शन होगा, इस कीटोन एल्डिहाइड कीटोन का रिडक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, कोई बात नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि जब हम यहाँ पर रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन करेंगे बच्चों तो केवल इस एल्कीन वाले साइड का रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ये रहेगा। और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पर ये जो बेंजीन है इसको मैं फिनाइल लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऐसे। अब कहता है ये जो प्रोडक्ट है कमेंट्स अपॉन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना है बच्चों इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हमें चर्चा करनी है, मतलब बतानी है। तो समझने वाली बात ये बच्चों, हमें देखना है कि जो प्रोडक्ट बना है क्या इसमें आपको कोई कायरल सेंटर दिख रहा है बच्चों। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर देखो आप, एक हाइड्रोजन एक फिनाइल है, बोले तो ये कायरल सेंटर है, क्योंकि इधर जाने पर और इधर जाने पर दोनों तरफ जो ग्रुप है वो क्या है बच्चों, डिफरेंट है। ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो एक कायरल सेंटर है। अब आपको पता है बच्चों जब मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होता है तो पहली बात वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे बच्चों, 2^n वाले फॉर्मूला के हिसाब से 2^1 बोले तो 2 होगा, एक आर कन्फ्यूग्रेशन वाला होगा और एक एस कन्फ्यूग्रेशन वाला होगा। तो बच्चों R कन्फ्यूग्रेशन वाला जो कंपाउंड होता है और S कन्फ्यूग्रेशन वाला जो कंपाउंड होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और दोनों मिरर इमेज हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि दोनों एक दूसरे के इनांसियोमर होंगे। और प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा ना बच्चों, वो हमें मिलेगा रेशमिक मिक्सचर के रूप में। रेशमिक मिक्सचर के रूप में कैसे मिलेगा, तो ऐसे भी आप समझ सकते हो, चूंकि दो प्रोडक्ट मिलेंगे दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, है ना बच्चों। यदि दो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हों, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हों, तो दोनों कंपाउंड का जो मिक्सचर होता है वो बेसिकली क्या होता है, रेशमिक मिक्सचर होता है। ऐसे एक और तरीका है इस चीज़ को समझने का बच्चों, H2PD जो है हमें पता है सीन एडिशन होने वाला है, तो इस एल्कीन पर जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो एक बार दोनों वेज पर जुड़ेंगे और एक बार डैश पर जुड़ेंगे। तो जब एक बार वेज पर जुड़ेंगे, जब एक बार दोनों के दोनों वेज पर जुड़ेंगे, तो उस समय यहाँ का जो फिनाइल होगा वो कहाँ पर होगा, डैश पर होगा। और एक बार जब दोनों डैश पर जुड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में यहाँ का जो फिनाइल होगा बच्चों वो कहाँ पर होगा, वेज पर होगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? तो अब देख लो, यहां से दो प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है भाई, दोनों में एक एक कायरल सेंटर है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी प्रूफ हो रहे हैं, तो इसीलिए दोनों प्रोडक्ट का जो मिक्सचर होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा, इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 174 बच्चों, यहाँ पर देखो बहुत सारे एल्कीन दिखाए गए हैं, बहुत सारे मतलब दो एल्कीन हैं, ठीक है ना, एक तो बच्चों यहाँ पर है और एक बच्चों यहाँ पर है। अब इसका HBr के साथ रिएक्शन करवाना है, तो सीधी सीधी बात है कि वह HBr कौन से वाले एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। बच्चों हमें पता है कि जो एल्कीन की रिएक्टिविटी है, जो उसका रेट होता है, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पर निर्भर करता है। तो हमें पता है कि मार्कोनी रूल से जब हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे दोनों में, मार्कोनी रूल से जब हम दोनों में कार्बोकेटाइन बनाएंगे, तो बच्चों इसमें यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे और इसमें यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ वाला जो कार्बोकेटाइन होगा ना बच्चों, ये C डबल बॉन्ड O के द्वारा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, जो कि इसके स्टेबिलिटी को क्या करेगा,
कम कर देगा। आगे समझ में? कहने का मतलब है कि मार्कोनी रूल से आप यहाँ भी कैटायन बनाइए और यहाँ भी बनाइए, दोनों की कैटायन की स्टेबिलिटी को आप कंपेयर करोगे तो पता लगेगा कि ये माइनस आई के कारण कम स्टेबल है, ठीक है ना बच्चों? बोले तो हाईली अनस्टेबल है, और ये वाला बच्चों ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है यहीं पर अटैक होगा। जैसे यहाँ पर अटैक होगा बच्चों, तो फाइनली फाइनली क्या होगा, तो यहाँ पर बनेगा कार्बो कैटायन और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए होंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो ये बन गया। अब समझने वाली बात है कि क्या कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है या जो बना वही आंसर है। बच्चों 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है अभी जो कार्बो कैटाइन है। अगर मैं इस कार्बो कैटाइन को यहाँ पर लेकर के आ जाऊँ तो 2 2 4 1 5 होगा, बोले तो अल्फा एच की संख्या कम हो जाएगी, तो इसलिए कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ये जो कार्बो कैटाइन बना है बच्चों, इसी के ऊपर अटैक हो जाएगा बी आर का, और ऐसा करने से जो हमें आंसर दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी। ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी आर को कुछ अलग ही तरीके से जोड़ने का प्रयास किया गया है, यहाँ पर भी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर भी वही गलती है, ठीक है ना? तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा।